ज्योति, ये जगह बड़ी खुली खुली सी है, कहीं बंद जगह चले? कहाँ, जहन्नम। कम ऑन जानू भी कोई जर। मुझे वैसे इतनी देर हो चुकी है, ये मिसेस बेसिन जी के अंदर जाकर सो गई हैं। आप इतने तंग कपड़े डिजाइन करोगी तो मुश्किल तो होगी चढ़ाने के लिए। अभी तो बाहर आकर बोलेगी कि कम्बर से टाइट नहीं हो सकती। एम तो घणोस बराबर छे आ टीकरा, एकदम परफेक्ट छे। पर जॉनी अहिया जड़ा इधर कमर में थोड़ा टाइट नहीं हो सकता? क्यों नहीं मिसेस बेसिन जी, जरूर हो सकता है। लिखना मीता 40। नहीं नहीं 42 ठीक है। ओके मीता 42। बाकी मिसेस पेशन जी आप प्लीज मीता को समझा दीजिए, मेरा एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है। ओके, इतने के मारो अपॉइंटमेंट इम्पोर्टेंट नहीं थी, जरूरी नहीं है। वाह, नहीं नहीं मिसेस पेशन जी ये बात नहीं है, मैंने ना किसी को टाइम दिया हुआ है, वो बेचारा इंतजार कर रहा होगा मेरा, पागल हो रहा होगा गुस्से में। प्लीज Excuse me. Yes. कहीं आप ज्योति माथुर तो नहीं? बिल्कुल हूँ, अगर तुम जय हो तो। Come on. वो कॉलेज वाली ज्योति में और आज में कितना फर्क आ गया, कमाल की बात है। कमाल तो तुम्हारा ही पहचान लिया। मैं पहले डर रहा था कि कहीं ज्योति उतर ना पड़ जाए, रॉन्ग नंबर लग गया तो। मैं बैठ सकता हूँ? प्लीज। ये इतना चेंज कैसे आ गया तुम्हें? अरे भाई, अच्छी खासी खाती पीती सेठानी हूँ, दो दो बच्चों की माँ हूँ। तुमने शादी की या नहीं? कहाँ, अपने लाइफ में तो इंतजार लिखा हुआ है। एक बार बताओ, बहुत अच्छी लड़की है, तेरा हस्बैंड का? बच्चों को लेकर गए नारियल पानी पिलाने। ओह गुड पापा। इतना इंतजार कराने के बाद अभी आई है मैडम। क्या कर रहे हो? जला रहा हूँ, इतना इंतजार जो करवाया मुझसे। मेरे हस्बैंड ने देख लिया तो मुझे गोली मारेगा? अरे नहीं मारेगा यार। क्या बताऊं ज्योति, जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो, जिंदगी जिंदगी नहीं रही। इतने दिन तो मैंने तुम्हारी बंदगी में काट लिए, मगर अब तो ऐसे लगने लगा था कि तुम्हारा इंतजार करते करते कहीं मेरा इंतकाल ना हो जाए। खैर, भगवान ने दोबारा तुम्हें मेरी झोली में डाल ही दिया। ज्योति, ये जगह बड़ी खुली खुली सी है, कहीं बंद जगह चले? कहां, जहन्नम। कम ऑन जानू भी कोई जर। कहाँ भाई तुम? ज्योति, दिस इज अपना शर्मिला, माय बेस्ट फ्रेंड। बैठो ना। मैं यहाँ क्यों बैठू, मैं कब अपने हड्डी क्यों बनू? अरे दैट्स अ पॉइंट मैडम। शट अप। अरे ये तो तुम्हें यूं ही तंग कर रहा था। यूं ही तंग करने वाले एक ही कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डालकर साथ साथ सिप नहीं लिया करते। देखो शर्मिला, मेरे कोल्ड ड्रिंक से या तो मेरे पति सिप कर सकते हैं या फिर मेरे बच्चे। झूठ। ये तो मेरे कॉलेज का दोस्त है और इसकी पहले से यही आदत है, तुम तो जानती होगी। अब तुम दोनों के झगड़े में मुझे वैम बनने का कोई शौक नहीं है, मैं जा रही हूँ। क्यों झूठ बोल रही है यार? अच्छा सुन, तेरा पर्स तो लेके जा। ओ या, ऑल द बेस्ट। मैं तो तुम्हें जला रहा था यार, जला नहीं तो प्यार का पैमाना होता है। घटिया फिल्मी डायलॉग। तुमने तय किया था मासी मिलाने घर ले जाओगे? तय ना, आओ पहले मैंने सोचा था, मगर बाद में मैंने फिर सोचा, मैंने कहा कि देखो पहले हम आपस में तो तय कर ले, ये मां से मिलवाने वाली जो बात है ना, ये कोई मामले नहीं है, बहुत गंभीर है। क्या ये तुम्हारा हमारा जो झगड़ा होता रहता है ना, अच्छी बात नहीं है? नहीं वैसे तुम्हारी हम, देखो अब ये मुझे अच्छा नहीं लगता, वैसे तुम्हारी हमारी बात अपना फाइनल के आसपास आ पहुंची है, बट स्टिल कभी कभी क्या होता है मालूम है, ये ज्योति जैसी लड़कियों से मिलता हूं ना तो दिल डगमगा जाता है, यू नो। ओके, देन लेट्स कॉल इट अ डे, आइंदा मुझसे मिलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। शर्मिला, ए तुम्हारा चश्मा।